हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। सुबह का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है और आप सभी को मेरी ओर से न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस अभी जो है ना, बच्चों को उठा देती हूँ, चाय बनाने लग रही हूँ मैं, चाय बनने लग रही है तो बच्चों को उठाती हूँ। तो एक बच्चा तो मेरा उठ चुका है, कायरो। और फिर हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं न्यू ईयर पर, आप लोगों के साथ में बहुत अच्छी सी वीडियो शेयर करने वाले हैं। तो चलिए अब निको उठाते हैं और चाय देखो गैस पे बनने लग रही है पीछे, शायद ओले में दिख नहीं रहा, अंधेरा हो रहा है। अपनी को उठा देती हूँ मैं और उसको हैप्पी न्यू ईयर विश कर देती हूँ। अपनी गुड मॉर्निंग बेटा जी, हैप्पी न्यू ईयर। ये उठ गया। बस अब इनको ना रेडी करती हूँ और फिर हम लोग निकलते हैं। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और अब बस आपको हम कहीं नहीं मिलेंगे, एकदम नए लुक में, नए अंदाज में आपको मिलने वाली है आपके ज्योति ब्लॉगर। तो ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, चलिए बस चलते हैं, निकलते हैं। आज न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना बनता है, नया साल, शायद कुछ नया कंटेंट, नई खुशी, नया वो लेकर आए हमारे जीवन में। मैं इस बार से यही दुआ करूंगी कि भगवान आपका भी न्यू ईयर खूब अच्छे से मने और आपको ये आने वाला साल आपको ढेर सारी खुशियां दे। तो हम ये बना के आ चुके हैं, फिर से मेकअप करनी है, चाय बना, वही वाला साल हो गया। मम्मी माँ आया है, हैप्पी न्यू ईयर कर दो, खा रहा हूँ। ओह खुशी होगी, निकाल हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू बल्लू, मैं बल्लू चाय पियो, मम्मी चाय ला रही। अभी यहाँ पर जो है ना, मैं गई हूँ अवनी के स्कूल में, क्योंकि अवनी का जो है ना आज पीटीएम है। आप लोग मुझे बोल भी रहे थे कि दीदी पीटीएम है ना, ज्वाइन किया करो, जाया करो, देखा करो अवनी की कॉफ़ी वगैरह। तो अवनी की जो क्लास टीचर है, उनके मुझे दो तीन बार कॉल आए कि इस तारीख में पीटीएम है, आप ज़रूर आना, आया करो, उसकी कॉपी चेक करा करो, पीटीएम ज्वाइन किया करो। तो मैंने सोचा ठंड तो खैर बहुत हो रही है और चलो चलते हैं, उसका पेटीएम ज्वाइन करके आते हैं, क्योंकि देख बच्चे का मामला है, देखते हैं कि हमारे बच्चे ने कितना मतलब पेपर में किया है, कितना नहीं किया। घर आके तो बच्चा यही बोलता है कि सब कुछ करके आया हूँ, कुछ किया भी है या नहीं, नंबर कैसे हैं कैसे नहीं। तो मेरी काफ़ी देर तक मतलब टीचर से बात, बाद में बताऊंगी मैं इसके स्कूल की और सारी बातें। तो चलिए चलते हैं मॉल घूमने के लिए, मैं अपने बच्चों को घुमाने के लिए लाई हूँ, खुद भी घूमने के लिए आई हूँ। देखिए मेरा नया लुक, आज आपको कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। तो हम कर रहे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट, आप लोग भी आ जाइए, काफ़ी मन लगने वाला है। फिलहाल मुझे सर्दी लग रही थी तो मैंने जर्किन डाली हुई थी। और कैसा लग रहा है आप सबको मेरा नया लुक, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। आप सभी आ जाइए न्यू ईयर इन्जॉय करने के लिए, क्योंकि नए साल में हम कुछ नया सोचना और नया करना चाहिए। अगर हम उदास भी है तो फिर भी हमें हंसते और मुस्कुराता रहना चाहिए। मैं यही बोलूँगी कि हे भगवान, ये नया साल सबको खुशी दे और सबके लिए अच्छा साबित हो और सब है ना खुशी खुशी अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया अपने बच्चों के साथ में। तो फिलहाल मैं अपने बच्चों को लेकर है ना पहुँच चुकी थी घूमने के लिए और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। तो चलते हैं आगे आगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं मॉल में, तो बहुत दुकानें होती हैं हर चीज़ का, मतलब अलग अलग प्राइज है, बहुत सारी खिलौने वगैरह बच्चों के, कूदने के, गाड़ी वगैरह, घूमने फिरने के सब सिस्टम यहाँ पर थे और गेम्स वगैरह भी खिलाए जाते हैं। अभी तो यहाँ पे एक रथ भी लगता था, अब की बार नहीं लगा हुआ है। बहुत टाइम पहले मैंने कायरव अपनी को जब छोटे छोटे से थे तब उस रथ में बैठाया था, घुमाया था। और ये देखो यहाँ पे गेम्स वगैरह भी लगे हुए हैं जो खेलते हैं बहुत लोग, और इस तरह के मतलब ये लग रहे इनमें गेम चलते हैं। और मतलब बहुत कुछ देखने के लिए यहाँ था, ये गाड़ी वगैरह मैं क्या बताऊँ, मतलब इतने खेल खिलौने थे बहुत ज़्यादा जिनमें बच्चे खेलते हैं, मस्ती करते हैं। तो यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह भी थी, पॉपकॉर्न वगैरह सब चीज़ मिल रही थी, खाने पीने की, कपड़े वगैरह। तो मॉल में तो अक्सर ही सब चीज़ें रहती है, आपने देखा भी है, बताने वाली तो कोई बात ही इसमें नहीं है। तो चलिए आप सब भी इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर ना ये कोई गेम है, इसमें ये गेंदों वगैरह से डालते हैं और उसमें जो है ना पीछे खिलौने निकलते हैं आपकी, जो अगर सही डल जाएगी तो आपको कुछ मिलेगा। तो ये लड़का जो है ना खेल रहा था और इसने है ना एक देखे गिफ्ट भी जीता है, ऐसी बात नहीं, बस लगने के ऊपर बात है, जिसकी सही लग गई उसको मिल गया, जिसकी सही नहीं लगी नहीं मिला। क्योंकि एक दो बार मैंने भी खेला है, कुछ भी नहीं निकला, बस सब किस्मत की बात होती है। देखो चलो छोटे बच्चों को मिलता है ज़्यादा अच्छी बात है, कूदने वगैरह के भी थे, खूब इंजॉय मैंने बच्चों को कराया और खुद भी किया। देखो क्योंकि हम न्यू ईयर मनाने के लिए गए थे, पर हर चीज़ का ना मॉल वगैरह में देखो टिकट लगता है हर चीज़ का,
इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे है ना गिफ्ट, तो बहुत प्यारे प्यारे। अगर किसी को देना हो तो मैं तो देखो बाहर दुकानों पर भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, पर शीशे में रखी हुई चीज़ है ना थोड़ी अलग ही लगती है। मतलब अब वही चीज़ दुकान पर हो तो आपको लगेगा कि पता नहीं कैसे शीशे में रखी हुई कुछ ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। तो चलते हैं ऊपर की साइड, और मुझे थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही थी चलने में, क्योंकि मैंने काफ़ी नीचा लॉन्ग तो होता ही है और थोड़ा सा पकड़ के चलना पड़ रहा था जीने में। मुझे ये लग रहा था कि कहीं आलज वगैरह ना, पाँव के नीचे वगैरह ना आ जाए। तो अभी मैं छत पे पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर है ना, चलते हैं अंदर की साइड थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। पहले आइसक्रीम वगैरह ऊपर भी जो है खाने पीने का सिस्टम भी है यहाँ पर सब चीज़ें। अभी हम चल दिए अंदर की साइड जहाँ पर काफ़ी सारे टी शर्ट, लोअर, पर्स वगैरह सभी चीज़ें, मतलब कपड़े वगैरह उपलब्ध थे, बच्चों के भी शॉर्ट्स वगैरह। तो अवनी काफ़ी टाइम पहले गर्मी में बोल रही थी कि मम्मी मुझे शॉर्ट्स दिलाओ, तो यहाँ पर ये प्लाजो पजामे वगैरह जो वो सब मैं देख रही थी, पर सब पर प्राइस पड़े हुए थे। देखो ऐसा नहीं सब पे चिट लगी रहती है मॉल के कपड़ों में, ज़्यादातर मैंने ये देखा है। मैं मॉल वगैरह आती हूँ, घूम जाती हूँ, पर मैं यहाँ से कभी शॉपिंग नहीं करती, मैं रियल बात बता रही हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत महंगी महंगी, अभी मैं यहाँ पर पर्स वगैरह देख रही थी और इनके प्राइस किसी का 1200, किसी का 1300, किसी का 500, किसी का 600, इस तरह के प्राइस थे इन पर्स वगैरह के। मेरे पास में तो है, मुझे नहीं थी ज़रूरत, पर मैं चेक कर रही थी, देख रही थी। देखो है ना थोड़ा सा मैं मानती हूँ हर चीज़ में अंतर रहता है, पर वही चीज़ अगर मान लीजिए हमने नॉर्मल सा एक टॉप लिया दुकान से और वो शीशे वाली उसमें आ जाए तो उसके प्राइस जो है ना बढ़ जाते हैं। वैसे 50% का ऑफ़र चल रहा था, अगर ये टॉप 2000 का है तो इस पर 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो बहुत सारे टॉप्स वगैरह मैंने चेक किए, देखा, और मैं ज़्यादातर बच्चों के लिए ही देख रही थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे अपने अब की गर्मी में अपने बच्चों के लिए यहीं से शॉपिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे है ना, देखो न्यू ईयर पे है ना काफ़ी अच्छा सजा रखा था इन लोगों ने, अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी था, स्टार्टिंग हो रही थी, कह रहे कि अभी और थोड़ा टाइम लगेगा जी, थोड़ी देर के बाद फुल हो। मैंने कहा फुल कैसे, क्या पता, ये मॉल पहले बहुत चलता था, अभी इतना नहीं चलता है, क्योंकि वो है ना एक बार कोई चीज़ चलती है फिर डाउन मार जाती है, वही सिस्टम रहा, बहुत कम चल रहा है फिलहाल। चलो जो भी है ठीक है। और यहाँ पर अभी हम लोग खड़े हुए थे, थोड़ा सा ऊपर से घूमते फिरते नीचे की साइड जा रहे थे, थोड़ा थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे। आप लोग भी आ जाइए इन्जॉय करने के लिए, और आप सबसे थोड़ी सी बात भी करनी है, खाना पीना भी करना है। शॉपिंग तो ज़्यादा कुछ हमने यहाँ से नहीं की, एक दो सामान लिया था बस, और वो बच्चे ज़्यादा वो करते हैं। हेलो कर रही थी मैं आप लोगों से, यहाँ पे ना डीजे साउंड वगैरह बजे हुए थे तो शायद मेरी आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं बोल रही थी आप लोगों से कि मैं यहाँ पर काफ़ी सारा इन्जॉय कर रही हूँ, आप सब भी आ जाइए इन्जॉय करने के लिए। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ, और हमने यहाँ पर खूब खाया पिया, खूब मस्ती करी, खाना पीना भी हमने यहीं पर करा, और आज बच्चों की ख्वाहिश थी तो मैंने सोचा कि यहीं पे खाना पीना कर लेते हैं, थोड़ा इन्हें घुमा देते हैं। न्यू ईयर पे अपने बच्चों को सरप्राइज़ दे दिया, मेरी लाइफ में तो जैसा भी है ठीक है, पर मेरे बच्चे हंसी खुशी ज़िंदगी काटे, न्यू ईयर इन्जॉय करें। तो चलिए फिर मिलते हैं, आज नया साल है तो कुछ नया कर रहे हैं सब लोग कुछ ना कुछ। तो मैं अपने बाल गोपाल के लिए भी कुछ लाई हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। दरअसल क्या है, कपड़े तो मैं आए दिन खरीदती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, उनके जो अपने लाती हूँ तो उनके भी लाती हूँ। और एक चीज़ और मैं लाई हूँ, मैं आपको दिखा दूँ, मेरे काना के कुछ बर्तन खो गए थे, चम्मच नहीं थी, एक ही कटोरी थी, गिलासी भी खो गई थी। मैं अपने काना के बर्तन लाई हूँ, ये मैंने ज़रूरी समझी है। और कपड़े तो काफ़ी सारे हैं मेरे काना पे, और ले आऊँगी फिर, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं कपड़ों की। तो ये लाई थी, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दी। के साथ में मुझे एक बात और एक चीज़ भी शेयर करनी है, तो किसी ने मेरे लिए बहुत अच्छा तोहफा भिजवाया है, पर अभी मैंने ही खोला नहीं है, पैक है, इसको खोलते हैं और देखते हैं किसने क्या भिजवाया। इस पर कोई नाम की चिट नहीं है, कोई नाम पता नहीं है, बस मेरे घर पार्सल पहुंचा दिया गया, ये
गिफ्ट, और मुझे लगता है शायद गांव में से ही किसी ने भिजवाया है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे जिसने भी भिजवाया उसके लिए थैंक यू, बहुत सारा प्यार, आपका नया साल बहुत अच्छे से बीते। और चलिए गिफ्ट को खोलते हैं, आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। मुझे भी नहीं पता क्या है, पर जिसने भी जो भी कुछ दिया है बहुत दिल से, मतलब मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि तोहफा छोटा हो या बड़ा हो वो मायने नहीं रखता, अगर कोई हमें प्यार से दे रहा है तो वो मायने रखता है। तो चलिए गिफ्ट खोलते हैं और आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। के साथ में मुझे एक बात और एक चीज़ भी शेयर करनी है, तो किसी ने मेरे लिए बहुत अच्छा तोहफा भिजवाया है, पर अभी मैंने ही खोला नहीं है, पैक है, इसको खोलते हैं और देखते हैं किसने क्या भिजवाया। इस पर कोई नाम की चटनी है, कोई नाम पता नहीं है, बस मेरे घर पार्सल पहुंचा दिया गया ये गिफ्ट, और मुझे लगता है शायद गांव में से ही किसी ने भिजवाया है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे जिसने भी भिजवाया उसके लिए थैंक यू, बहुत सारा प्यार, आपका नया साल बहुत अच्छे से बीते। और चलिए गिफ्ट को खोलते हैं, आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। मुझे भी नहीं पता क्या है, पर जिसने भी जो भी कुछ दिया है बहुत दिल से, मतलब मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि तोहफा छोटा हो या बड़ा हो वो मायने नहीं रखता, अगर कोई हमें प्यार से दे रहा है तो वो मायने रखता है। तो चलिए गिफ्ट खोलते हैं और आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। गिफ्ट खोल के देख लेते हैं, पन्नी कायरव ने पहले ही पाड़ दी, तो चलो देख लेते हैं क्या है। रुक झका रहो, ये देखो क्या निकला है, आप लोगों को दिखा देते हूँ गिफ्ट में। तो ये बहुत शुभ माना जाता है, अगर खुद से ले तो शुभ नहीं माना, इतना शुभ नहीं माना जाता, अगर कोई गिफ्ट में दे तो बहुत शुभ माना जाता है। ये देखो, रुक झका, लाफिंग बुद्धा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट, और जिसने भी इतना प्यारा गिफ्ट लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से दिल से, क्योंकि ये है ना, अगर कोई गिफ्ट में दे तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। बहुत प्यारा लगा, मैं इसको बहुत सिंगवा के रखूँगी, मैं अपनी अलमारी में नहीं रखूँगी इसको, फिलहाल उठा के रखूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया है ये गिफ्ट। तो चलिए फिर आपसे थोड़ी देर के बाद बात करते हैं, खाना पीना बनाने की तैयारी करते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो अभी तक क्या हाल है, अभी से कोहरा पड़ना शुरू हो गया, चांद निकल आया, बाल्टी भर गई, इतना बुरा हाल अभी से धुंध का होने लगा, देखो अभी से धुंध आनी शुरू होगी और क्या हाल होगा सर्दी का पता नहीं भाई। तो जनवरी शुरू हो गई है, एक जनवरी है आज, अब तो ज़्यादा ऐसे ही रहेगा। ये छाना से पीछे ताऊ जी हरके डमरों को डाल दूँ, क्योंकि है ना बस ये तो बिना मतलब का ही हो रहा है, बूट सा निकला है, ऐसे कहाँ गिरूँ, ऐसा किसी को अनाज ऐसा वेस्ट भी नहीं करना चाहिए ऐसा, इसे इससे तो अच्छा है कि इनके पशुओं के खुर में डाल दो। इन्होंने भी